तरह की सीरीज होने वाली है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और हंसू क्या, कैसे सबको हंसाने वाले हैं? हवा बदले हंसू जो है एक एनवायरमेंटल थ्रिलर है, मतलब हम इतने सारे इंटरनेट पे इतने सारे शोज़ हैं जिसमें ड्रामा है, क्राइम है, फैशन है, सेक्स है, कॉमेडी है, लेकिन एनवायरमेंट पे बहुत कम या शायद ही ऐसा कोई सीरीज़ है जो हमारे पर्यावरण की दशा को दर्शाता है। जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पानी का स्तर हमारे देश में कम होता जा रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, किसान मर रहे हैं, फसल नहीं उग रहा है, तो भी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और इंटरनेट का जो पावर है, अभी सबके हाथ पे फ़ोन है, सब फिल्में, गाने, टेलीविज़न सीरीज सब फ़ोन पे देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, इसके बीच में हमारा हंसू अगर आएगा और बताएगा कि थोड़ा सा आप अगर पर्यावरण पे ध्यान दें तो आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी अच्छा है, तो वही है हंसू। सर, यह हंसू किस तरह का किरदार है और मतलब क्या करता है ये हंसू और कैसे मैसेज देने वाला है ये सबको? हंसू जो है एक बेसिकली प्रोफेसर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है, पर्यावरण में शिक्षा देता है, और उसको लगता है कि वो ऑटो चला गया और उसके जो मुसाफिर हैं जो उसके बैठते हैं पीछे, उनसे बात करेगा, उनकी ज़िंदगी बदल देगा, उनको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे अपने पर्यावरण के बारे में। तो ये हंसू है, उसका नाम है हसमुख पांडे, यूपी से है, और कोई भी ऑटो वाला भैया जो होता है हमारे मुंबई में उनमें से एक है। ओके अनिसा, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर निभाने वाली है? एक्चुअली आई बेसिकली आई प्ले अ ब्रिटिश वुमन, वो बॉम्बे विजिट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, और वो बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटीज है, वो काफ़ी डिसएग्री करते हैं उनके ओपिनियन के साथ। तो जब वो हंसू के ऑटो रिक्शा में चल जाती है, वो एक्चुअली बहुत कुछ सीखती है हंसू से, एंड आई थिंक दैट्स अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। वो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि एक ऑटो ड्राइवर से यू नो वो कुछ सीख पाएंगी। तो आई थिंक वो बेसिकली जो कॉन्वर्सेशन वो यू नो हाँ बेसिकली द कॉन्वर्सेशन दैट दे हैविंग इन द ऑटो रिक्शा, इट रियली टेक्स अ बाय सरप्राइज। एंड मैं कॉन्वर्सेशन के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं कहानी बताना नहीं चाहती हूँ, बट इट्स दैट कॉन्वर्सेशन विच रियली ओपन्स हर आईज। एंड जैसे वो एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बहुत सरप्राइज होती है कि उनके पास इतना नॉलेज है, एंड आई थिंक इट चैलेंजेस आवर परसेप्शन ऑफ यू नो रीडिंग अ बुक बाय इट्स कवर, एंड जैसे हम लोगों को जज करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स द नाइस एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। राइट, चंदन आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अनिसा ने मेंशन किया कि बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आके ऐसा सोचते हैं कि मतलब भारत स्वच्छ नहीं है, तो हमारे पीएम साहब ने जिस तरह का अभियान शुरू किया था, कितना यूज़फुल है ये स्पेशली अभी के समय में? देखिए, स्वच्छता अभियान तो बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में और इस जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा कैंपेन है जो इससे देश की जनता कहीं ना कहीं जागरूक हुई है स्वच्छता अभियान से, कि हर आदमी हमारे देश में ये सोचता था कि हमारा घर साफ़ रहे, आप अपनी देवड़ी साफ़ करके बैठ जाते हैं और थोड़ी दो कदम जाते थूक देते हैं आप या पेशाब कर देते हैं। ये इस अभियान से ही हुआ है कि एटलीस्ट हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम अपने आसपास के पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं। एक आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर एंड इन द राइट डायरेक्शन, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, और आई थिंक सफाई से ही आई थिंक जो है हमारे स्कूल में भी सिखाया गया है कि सफाई सरस्वती है एक तरह से, आप अपने आसपास सफाई रहेंगे तो वहीं भगवान बसते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। सर, हमेशा से आपको अलग अलग किरदार करते हुए देखा है, चाहे फिर वो कमीने हो या बहुत सारी फिल्में जो भी आपने की, ये किरदार चुनने का क्या रीज़न था और कैसे फाइनलाइज हुए आप, कैसे ऑन बोर्ड आए इस फिल्म के लिए? तो इस फिल्म के जो इस सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर हैं और लेखक हैं प्रतीक मजुमदार, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बताया कि वो एक इस तरह का सीरीज़ कर रहे हैं जो पर्यावरण एनवायरमेंटल थ्रिलर है, और एक्चुअली मैं इंटरनेट के लिए बहुत नया हूँ, ये मेरा पहला सीरीज़ है, मैं हमेशा फिल्मों में ही व्यस्त रहा हूँ, तो मैंने सुना कि ये एनवायरमेंटल थ्रिलर है, तो मुझे लगा कि क्योंकि आई ऑल्सो फील वेरी कॉन्शियसली फॉर द एनवायरमेंट, मैं अपने हिसाब से अपने आसपास की जो छोटी बहुत चीज़ें कर सकता हूँ वो करता हूँ, तो मुझे लगा कि इस तरह का सीरीज़ मुझे करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर हर तरह का एंटरटेनमेंट है, हर तरह की चीज़ हो रही है, लेकिन अगर मैं एंटरटेनमेंट को एनवायरनमेंट से उसको मिला दूँ तो कुछ नया बन सकता है, इसलिए हंसू जो है एक एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सीख है, एक समझ है जो हमारे इस नए जनरेशन को पता चलेगी। राइट,
अनीसा, व्हाट प्रिपरेशन यू हैव गोन थ्रू विद योर कैरेक्टर? बिकॉज बहुत सारे ब्रिटिशर, जैसे आपने मेंशन किया, क्या सोचते हैं वो और कैसे, मतलब आपने किरदार में खुद को ढाला है अगर? तो मैं एक्चुअली बहुत रिलेट कर सकती हूँ कैरेक्टर के साथ. आई थिंक जब लोग बाहर से आते हैं, यू नो, वो बहुत लाइक ऑफकोर्स इन्वायरमेंट को जज करते हैं नेचुरली, एंड स्पेशली मैं लंदन से हूँ तो मेरे पास वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं डेफिनेटली रिलेट कर सकती थी. सो आई जस्ट फील दैट आई जस्ट थॉट बैक टू व्हेन आई फर्स्ट केम टू इंडिया एंड मैंने क्या क्या सोचा दिमाग में, यू नो, मुझे कैसे लगा, एंड just the opinion that I based on the fact when I first came ke actually bahut kuch ho sakta hai, you know, environment ke liye bahut kuch kar sakte hain, and I think environment environmental like conscious hona environment ke bare mein bahut zaruri hai, and I think as an actor if we can, you know, get involved in this and spread the message of creating a better environment in India, I think that's really important, and it's just a great opportunity to get to do that. So basically I use my own experience and I just thought about that. Chandan sir, kya difference mehsoos kiya film medium mein aur OTT platform mein? Ye film to mera hamesha se pehla pyar rahega, aur kyunki main khud hamare generation se pehle jo hamare jo film industry ke Raj Kapoor sahab ho ya Gurudutt sahab ho, Vijay Anand sahab ho, Chetan Anand, Basu Bhattacharya, ये सब मेरे बहुत ही बड़े, मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, मतलब मैंने इनको देख के सीखा है, बड़ा हुआ हूँ. तो फिल्म में तो मेरे हमेशा बड़ा एक बहुत बड़ा प्रेम रहा है उनके साथ. ये इंटरनेट है मेरे लिए नया है, लेकिन इंटरनेट की जो ऑडियंस है वो करोड़ों में है. आप आज कोई आदमी कहीं टिकटॉक पे गाना गा रहा है या कहीं इंस्टाग्राम पर कोई डांस कर रहा है तो हज़ारों लाखों लोग देखते हैं. तो कहीं ना कहीं आप इस माध्यम के जो इसका जो पावर है इसको आप घर किराने नहीं कर सकते, उसको आप नकार नहीं सकते. तो मैं भी इंटरनेट पे आया हूँ थोड़ा सा लोगों का प्यार बटोरने. राइट सर, इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह का प्लेटफॉर्म OTT दे रहा है, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स भी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है, स्पेशली जो नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री. ग्रेट, आई थिंक कहीं ना कहीं सिनेमा में सैचुरेशन जब आ जाता है तो लोग नई तरह की कहानियाँ देखना पसंद करेंगे, नए तरह का म्यूज़िक देखना चाहते हैं, नए तरह के आर्टिस्ट, म्यूज़िक, फैशन, ड्रामा, स्टोरीज़, पोएट्री, और वो इंटरनेट पे ये सारे दरवाजे खोल दिए कि नए नए आर्टिस्ट हैं. मुझे आई थिंक हर दूसरे दिन एक सीरीज़ का ऑफर आता है या कोई नया डायरेक्टर मुझे फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ या मैं ये फिल्म बना रहा हूँ इंटरनेट पे, क्या आप इसमें अभिनय करेंगे. और वो इस तरह के रोल हैं जो कभी मुझे फिल्मों पर ऑफ़र भी नहीं हुए, और नए नए तरीके के रोल हो रहे हैं. जैसे इससे पहले मैंने एक इंटरनेट के लिए फिल्म की, शोले गर्ल करके, जो जिसमें मैं एक एक्शन मास्टर बना, मतलब कि जिसने शोले का एक्शन डिज़ाइन किया था, अजीम भाई, तो इस तरह का किरदार किया जो काफ़ी सराही गई इंटरनेट पे, और रिव्यूज़ काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे. तो इंटरनेट की वजह से नए नए आर्टिस्ट आए हैं, नए नए डायरेक्टर्स, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली एक नया माध्यम खुला है लोगों के लिए. अनीसा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स? डेफिनेटली आई थिंक, यू नो, वो सबको मौका देता है, यू नो, लाइक और काम करने के लिए. ऑब्वियसली फिल्म में काम करना वो बहुत मुश्किल होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर न्यू कमर टू, यू नो, ब्रेक इन टू द फिल्म इंडस्ट्री. तो आई थिंक बहुत सारे लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं जो पहले नहीं था, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट. इट्स ग्रेट टू सी. मैं दो और वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ, सो आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यू नो, एंड आई गेट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. सर, चंदन सर, आप एक ऑटो वाले का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या, मतलब किसी ऑटो वाले से मिले थे ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन और समथिंग? देखिए, जब मैं शहर में पहली बार आया तो सबसे पहला दोस्त मेरा ऑटो वाला ही बना था. मैं मीरा रोड में रहता था, शेयरिंग ऑटो में हम लोग जाते थे घर नया नगर. उसमें बहुत सारे एक्टर होते थे, कोई म्यूजिशियन होता था, कोई लेखक होता था, कोई लिरिक्स राइटर होता था, तो अपने दुख भरी गाथाएं सुनाते हुए ऑटो में बैठते चले जाते थे. 5 रुपये शेयर ऑटो होता था, या था 3 रुपये ऑटो वाला, फिर वो खड़ा रहता था रात को, मगर 12:30 बजे उतरे तो पता होता था कि अब्दुल भाई खड़े हैं, वो ऑटो में लेके जाएंगे और छोड़ देंगे नया नगर. कई बार पैसे भी नहीं होते थे. तो ऑटो वाले से तो हमने ऑटो से ज़िंदगी शुरू की, और आज मतलब मुझे उस जगह बैठने का मौका मिला जहाँ पे एज एन अभिनेता आप हमेशा पीछे ही बैठे हैं, लेकिन अब एज एन अभिनेता आपको आगे बैठने का मौका मिला, और उनका जो
मनोविज्ञान है, उनकी जो साइकोलॉजी है कैसी होती है गोड वाले की, वो समझने का मौका मिला आपका। आप अभी आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई ऐसे मक्खी की तरह ऐसे ऑटो के आपने तो चल गालियाँ दे दी, अब हटा यार, लेकिन जब आप उनकी जगह बैठते तो आपको लगता है कि उनकी भी एक कहानी है। मतलब कितने लोग आते हैं हमारे शहर में, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, और तरह तरह के लोग आते हैं और सब अपना अपना पेट पालने के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए एक नया फ्यूचर देने के लिए आते हैं। ये सब समझने के लिए आपको बनना पड़ेगा। जो मैं थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करके जो सीखा उनकी ज़िंदगी के बारे में, थोड़ी फिल्में देखी, मतलब एक बहुत पुरानी तो नहीं, एक फिल्म है गमन जो है मुजफ्फर अली साहब की, जिसमें फारूक शेख साहब सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, तो उस तरह का माहौल मैंने अपने दिमाग में रखा कि करते हुए। और अगर आपको याद हो तो बहुत पहले अर्ली 90s में एक बासु भट्टाचार्य का उनका एक सीरियल आता था रजनी करके, जिसमें प्रिया तेंदुलकर रजनी बनती थी, एक गृहिणी थी जो हर रोज़ एक एपिसोड होता था जब वो बाहर निकलती थी और कभी करप्शन को लेके, कभी बिजली का बिल लेके, कभी ऑटो वाले से, कभी टैक्स, शी वाज ट्राइंग टू सेट द सोसाइटी राइट। आई थिंक हसु इज समवन लाइक रजनी ऑफ टुडेज टाइम इन दिस सेंचुरी, 21st century, वेयर ही इज ट्राइंग टू सेट द बॉल रोलिंग, ही इज ट्राइंग टू सेट द सोसाइटी राइट, बट ही थिंक्स, ही बिलीव्स दैट एवरी टाइम ही मीट्स समवन एट द बैक, और आपको लगता है ना कि मैं इसको बता दूंगा, मैं अपने अगर मेट को बोल दूंगा देखो यार पानी बचाओ, मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, तो उसको लगता है वो आदमी है जो हर रोज़ नए लोगों से मिलेगा, उनको बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे दुनिया बदल जाएगी, जो एक्चुअली सच नहीं है। और यही जो है ये सीरीज के बारे में है, उसको जब सच्चाई की पता चलता है तो वो क्या करता है। सर लास्टली, ये सीरीज़ कब रिलीज़ होने वाली है और ऑडियंस को कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगी? भाई सीरीज़ कब रिलीज़ होने वाली है? जल्दी रिलीज होने वाली है और ये सोनी लिफ्ट पे आएगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सर इस तरह के टॉपिक मतलब यूजुअली कोई पिक नहीं करता है, स्पेशली अभी जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है हम देख रहे हैं एडल्ट, और बहुत सारे टॉपिक उठा रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट पे कोई नहीं उठा रहा है, तो सर क्या रीज़न था इस टॉपिक के ऊपर वेब सीरीज बनाने का? आपने खुद ही कहा कि बाकी टॉपिक्स जो हैं वो ले लिए गए हैं, तो हमने इसीलिए एनवायरनमेंट को ले लिया। तो ऐसा आज की कहानी है और आज और कल से रेलेवेंट है, इसी वजह से हमने ये चुना। और अभी जो एनवायरनमेंट की दशा है, अभी जो मैनकाइंड जिस तरह से एनवायरनमेंट को अभी ट्रीट कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक वार्तालाप शुरू हो सके, और वो वार्तालाप शुरू करने की जिम्मेदारी हम कंटेंट क्रिएटर्स पे है, क्योंकि लोग तो बातें वही करेंगे जो वो सुनेंगे आसपास क्या हो रहा है, और हम इस इन एक्टर्स के वजह से चंदन जी जो इन हस्सू का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक हीरो हम एटलीस्ट देना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट का हीरो। आपने बहुत सारे हीरोज़ देखे हैं, बट कॉमन मैन भी हीरो बना है बहुत बार, और वो अंडरडॉग की स्टोरी है जो सामने आती है, ये भी थोड़ा बहुत वैसा है, लेकिन एक ऑटो रिक्शा का भी हीरो शायद नहीं बना है, ऑटो रिक्शा वाला। तो एक नयापन दिखा हमें इस बात पे, और सबसे बड़ी बात की एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है 12 घंटे पोल्यूशन के अंदर वो ऑटो चलाता है, वही उसका वर्क स्पेस है। हम लोग या तो गाड़ियों में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं फिर काम करते हैं, तो पोल्यूशन से थोड़ा बहुत हमारा वास्ता है, वैसे तो ओवरऑल वास्ता है बट थोड़ा बहुत ही वास्ता ऐसे होता है। ऑटो रिक्शे वाले का पूरे दिन 12 घंटे 30 महीने 365 डेज पोल्यूशन में ही काम करता है, लेकिन वो सबसे लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूअल जिसको CNG कहा जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, उस पर चलाता है मैंडेटरीली। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का विक्टिम जो है वो है, लेकिन सबसे कम पोल्यूशन पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? सो ये हमारे ये आयरनी जो है ये हमें बहुत बहुत चुभी भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, और शायद ये निकल के आ सके जब लोग देखें इसको। तो यही वजह थी, ये आजकल की स्टोरी है तो आजकल की बात कहती है, और एनवायरनमेंट के साथ तो जो हो रहा है हमें सब पता है, उसके लिए एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत। जैसे हम चंदन से बात कर रहे थे, चंदन ने कहा कि बहुत बार हम लोग ऑटो वाले को, मतलब मैं जब पहली बार मुंबई में आया था ऑटो वाले से मिला था तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपने चंदन को क्यों चुना स्पेशली इस किरदार के लिए? शायद चंदन ने हमें चुना
को, क्योंकि एक किरदार होता है और एक उसको निभाने वाला होता है, वो एक दूसरे को चुनते हैं. तो हमारे लिए चंदन बहुत ही नेचुरल चॉइस था. और चंदन ने पहले 10 मिनट में, जब नरेशन हम लोग कर रहे थे उनके साथ बैठ के, पहले 10 मिनट में ही उन्होंने नोट्स बनाना शुरू कर लिया था. जब मैंने देखा वो कलम निकाला और उन्होंने नोट्स बनाना शुरू किया, तो हमें पता था कि वो ऑलरेडी मतलब इन है. और वो नरेशन के बीच में ही मतलब वो समझ में आ रहा था उनकी जो उनका उनका जो हमारे स्टोरी को समझने का और उस पर रिएक्ट करने की शैली जो थी, वो समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल कैरेक्टर को भी समझ रहे थे, स्टोरी भी समझ रहे थे, और इससे बहुत एकमत है. सी, एक किरदार के साथ एक्टर का एकमत होना बहुत ज़रूरी है. वो अगर किरदार को ऐसे निभाएगा कि वो चलो एक किरदार है, मैं आज इसके अंदर घुसूंगा उसके बाद निकल जाऊंगा, तो एक तरह से निभाएगा. दूसरा होता है कि मुझे पता है इस किरदार को, किरदार की कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी हैं, मैं डाल सकता हूँ. उस तरह से वो जो निभाएगा ना, वो फिर वो किरदार बन जाता है, और वो किरदार फिर और कोई नहीं निभा सकता है. आप इस सीरीज़ क्या इसका सीज़न और भी बने या जो भी बने, हंसू कोई और नहीं बन सकता, हमारे लिए भी और शायद दर्शकों के लिए. तो ये चंदन ने आई थिंक ओनरशिप लिया इस किरदार का भी और इस स्टोरी का भी, बिकॉज स्टोरी पूरे उनके कंधे पर, और उनको सिर्फ एक ऑटो में इतने से फ्रेम में एक्टिंग करनी थी. वो चैलेंज भी उन्होंने उठाया, और बहुत कम एक्टर ये मतलब ये चैलेंज एक्सेप्ट भी करेंगे मेरे ख्याल से. और तो मुझे लगता है कि चंदन मतलब आते ही ये वो हंसू बन गए, और हमारे लिए और कोई चॉइस ही नहीं था. ओके, हमारे साथ और दो एक्टर्स भी हैं, जैक और विक्रम. आप दोनों से जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग था आप दोनों के लिए, और जिस तरह का वेब प्लेटफॉर्म में अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही है, नए नए एक्टर्स, नए नए टैलेंट्स भी आ रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को ये किरदार मिला, और थोड़ा सा किरदार के बारे में आप बताएं हमारी ऑडियंस को. आपसे शुरुआत करते हैं सर. सबसे पहले तो बिकॉज ये सीरीज बहुत ही अलग है, और ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है सीरीज जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट, जैसे आपका एक सवाल भी था एनवायरमेंट को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास. जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए वो जो हर आपको मतलब मीटर्स आ गए हैं, स्कूल से बच्चे भी जाते हैं बाहर, आपके पोल्यूशन लेवल्स हाई हैं, एयर प्योरीफायर लगाए जा रहे हैं पूरी सिटी में. उसके बाद साइक्लोन्स के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उड़ीसा का साइक्लोन, हाल फिलहाल में रेवेन्सी में साइक्लोन. सो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, तो नेचर के साथ खिलवाड़ तो हुई, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन ही जाते हैं कि भाई हम भी बिकॉज एक मतलब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आप एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह पर रहें जो आपके रहने लायक हो, फिटनेस की तरफ आप ध्यान दे सकें, आपकी हवा जो आपको मिलती है वो साफ सुथरी हो, आसपास पेड़ पौधे हो, हर कोई ये चाहता है, और अपने तरफ का इंटरेस्ट भी होता है. तो एक तो ये एक चीज़ थी जो कि बहुत इंक्लाइन करी सीरीज़ की तरफ, तो सीरीज़ कुछ इसी तरह की बातें करती है. ऊपर से ये सीरीज जनरली जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में बातें करते हैं, बहुत डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में या फिर एक न्यूज़ के तौर पे हमारी सामने चीज़ें आती हैं. एंटरटेनमेंट की कमी, एंटरटेनमेंट की उसमें बहुत कमी है. इसमें कहानी थी, इसमें कहानी जो कि साइफाई है, तो कि जो कि और इंटरेस्ट बनाती है अपने आप में. हम लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी साइफाई कहाँ बना पाएंगे, सॉरी मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इंडियंस से साइफाई कहाँ होगा. तो उन्होंने कोई तो शुरुआत करे, और ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है, उस लेवल तक पहुँचने की कोशिश करी है, कोशिश किया उस लेवल तक शायद पहुँचे, और उस लेवल को भी हम क्यों डिफाइन करें. हमने बेंचमार्क सेट नहीं किया है, शायद बेंचमार्क आगे. बट ये है कि हम लोग अपने दिमाग में बेंचमार्क लेके चलते हैं, बट आई थिंक वी आर टॉकिंग सेंस इन दिस सीरीज. ही व्हेन ही डायरेक्टेड द स्टोरी, ही वाज टॉकिंग लॉट ऑफ सेंस, उसको बहुत होप और सेंस दिख रहा था. अब उसको आप उतारते कैसे हैं, उसको पूरा कैसे करते हैं, तो थोड़ी जिम्मेवारी तो आपकी होगी. तो ऐसी चीज़ों में मेरे ख्याल से एक्टर्स को हाथ डालना चाहिए. वो चेंज नहीं लाएंगे तो कौन चेंज लाएगा, डर डर के सब पीछे भाग जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है. एंड प्लस कोई चीज़ नहीं है, बदलाव की बात करती है, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ के बारे में आपको बात करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए. राइट, जैक, कमिंग बैक टू यू, क्या कहना चाहेंगे? टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर एंड हाउ यू कम ऑन बोर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो हिंदी इंग्लिश व्हाट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. यो लेकिन थोड़ा गलती माफ कीजिए. मुझे
मुझे वेब सीरीज़ बहुत पसंद है क्योंकि इस वेब सीरीज़ और सब वेब सीरीज़ बहुत एक्सपेरिमेंट हो ताज़े सास पाहू नहीं तो एनवायरनमेंट के बारे में यू नेवर सी दिस यू डोंट सी इट एनीवेयर इन इंडियन एंटरटेनमेंट और मोस्ट स्टोरीज और एनवायरनमेंट और साइंस फिक्शन दोनों नेवर तो आई इज वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस बिकॉज आई नो दैट दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड I don't know how you say first of its kind in Hindi, but actually, it's a small series, yeah, and it's not Game of Thrones, right? Lekin historic hota hai, because it's never been done, it's never even been attempted before. So we're hoping, Mera Asha, but we all hope that audience gives a chance, because it's important. And because it's fun and entertaining, both. So, mera kirdar ek villain hai. Ya, shayad nahi. Season one mein, mera kirdar ka naam nahi hai. Bahut rahasyamayi kya ho sakta? Rahasyamayi hai. लेकिन सीज़न टू तक मेरे किरदार का नाम और असली कहानी का खुलासा होगा तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेनी लेयर्स टू द स्टोरी एंड वेदर यू केयर अबाउट एनवायरनमेंट और साइंस फिक्शन और गुड स्टोरी और गुड एक्टर्स विक्रम मिर्ज चंदन सर एवरीबडी इज़ वेरी गुड राइटिंग वी होप यू कम ऑन बोर्ड दैट्स व्हाट आई थिंक Last thing I want to say, Gandhiji said, be the change that you want to be, you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. And the tagline, on here, you can see it, yeah, down here, is this, change can come one hero at a time. So I think this is a very important and hopefully very fun series for people to watch. I've been very privileged to be part of it. सर एज अ प्रोड्यूसर और राइटर पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या रिसर्च की है आपने इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए थोड़ा सा बताइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट भी है इसमें और मैसेज भी दे रहे हैं आप तो थोड़ा सा बताइए क्या रिसर्च सबसे बड़ा रिसर्च ये था कि एक ऐसी चीज़ जो इन्होंने कहा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा है उसका और एंटरटेनिंग एविडेंस नहीं है उसको एंटरटेनिंग कैसे बनाया जाए रिसर्च काफ़ी है राइट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस से लेकर लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर गार्जियन के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो हमने करीब 2-3 महीने तो हमने रिसर्च की ज़्यादा ही शायद टू फिगर आउट कि इसमें कहीं क्या जाए क्योंकि कहना तो आप बहुत कुछ कह सकते हो बट आपको यहाँ से रेलिवेंट और वर्ल्ड से रेलिवेंट दोनों होना था क्योंकि वेब सीरीज़ एक आपको एक मौका देती है कि आप रीजनल ना बनो इनफैक्ट आप अगर देखोगे जो कहानी है जिस शहर की है वो शहर का नाम तक नहीं वो शहर कहीं भी हो सकता है वो ना तो बम्बई है ना वो कानपुर है ना वो दिल्ली है या कलकत्ता है या हैदराबाद है कहीं भी हो सकता है हाँ तो एक माइक्रोकॉज़म है एक क्रॉस सेक्शन है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं और ऐसे किरदार कहीं भी हो सकते हैं This is more universal. So it's a rickshaw. But an American watching this can relate like a taxi driver talking to his passenger. A driver talking to passenger is a universal kind of situation. Conversation. Back yes. to the Bhagavad Gita. Absolutely. You got your chair here and you got this like so, that. Yeah? Glad you said that because that was one of our inspiration points. So Hassu, अगर आप देखोगे उनकी जो सारी कथाएं हैं और एडवेंचर्स हैं वो यही है कि हस्सू शायद कृष्ण हैं और पीछे जो हैं वो सारथी हैं और पीछे जो बैठे हैं वो अपने कर्म से थोड़ा सा डगमगा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप सही कर्म करो फल अपने आप मिल जाएगा है ना तो यही एक्चुअली यही कॉन्वर्सेशन है सो आई एम ग्लैड ही पिक दैट अप बिकॉज एक गीता का श्लोक भी हम यूज़ करते हैं जस्ट टू गिव ट्रिब्यूट टू दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग हमने हमेशा देखा है कि अगर महाभारत हो या कोई भी हिस्टोरिक कथा जो हमारा है तो ये रूटेड भी है इसीलिए इन अ वे इट इज़ रूटेड इन इंडिया
लेकिन इन अ वे इट इज़ अ ग्लोबल कॉन्वर्सेशन. यहाँ पे एक पैसेंजर अमेरिकन भी है, एक पैसेंजर ब्रिटिश भी हैं जो अनीसा प्ले करती हैं और बखूबी प्ले किया है उन्होंने, और उनके साथ एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है. एक इंडियन ऑटो वाला एक अमेरिकन और ब्रिटिश कपल के साथ कैसे बात करेगा और किस बारे में बात करेगा और एनवायरनमेंट कैसे जोड़ेगा, ये आपको देखने को मिलेगा एपिसोड 4 में. तो रिसर्च हर तरह की थी. सबसे पहला रिसर्च तो एनवायरनमेंट का था कि वी वांटेड आवर फैक्ट्स स्ट्रेट. हम चाहते थे कि आज की जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम मैसेजिंग के तौर पे भी ये बाहर आ सके. आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज हु थिंक्स दैट आप मैसेजिंग के साथ एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते. मुझे लगता है एंटरटेनमेंट खुद ब खुद एक मैसेजिंग है और एक मैसेज जाता ही है, चाहे बच्चों के लिए हो, एडल्ट्स के लिए हो या यूथ के लिए हो. और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैसेजिंग जो आपने आपने सोचा कि आप करना चाहते हो, आप मैसेज देना चाहते हो, वो दे पाओ, नहीं तो आपने काम नहीं किया अपना, राइट. तो हम वही हम कोशिश में अभी ये लगे हैं, जो हमारा फाइनल एडिट भी हो रहा है उसमें हम वही कह रहे हैं कि देखो ऐसा ना हो कि हमने जो कहना चाहा और जो रिसर्च किया, इतना सारा भारी भरकम पढ़ाई करी, उसका जो एंटरटेनमेंट के साथ जो मैसेज हम निकालना चाहते हैं वो पहुँचे, क्योंकि वो पहुँचना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इस सीरीज़ का कोई मतलब नहीं है. ये सीरीज़ अगर आप ऐसे देखोगे कि है ना कि आप मतलब खाते खाते आपने देख लिया, नहीं नहीं भाई चलो ये दूसरा कुछ देख लेते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है. आपको रोकना ज़रूरी है और रुकना और थोड़ा सा देखना ज़रूरी है और लास्ट एपिसोड तक देखना ज़रूरी है. तो इसीलिए वो रिसर्च हमारा आपको दिखेगा आप जब ये करोगे. और जैसे हमने कहा कि वेबसाइट्स हैं, हमारा खुद का खुद की रिसर्च टीम है. जो कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है? सोनी लिव पर रिलीज हो रही है. और कब रिलीज हो? बहुत बहुत जल्दी. आप क्या लिखा है? जून. जून में ही है. अभी जून में हम लोग, जून में हो जाएगी. ओके सर, थैंक यू, थैंक यू. दो टूक बात करिए, मतलब सटीक बात है, दो टूक बात है, कुछ खींच तान के बताया नहीं है. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट ऑटो कन्वर्सेशन आप देखोगे ना, वो थोड़ा कॉमेडी है, जो आपको ट्रेलर से शायद इतना नहीं समझ आता है. एक सटायर है, कॉमेडी है, जो कि इसका बॉडी है. बाकी जो थ्रिल एस्पेक्ट्स हैं वो उसके पेरिफेरी में जो चलते रहते हैं. तो आपको वो वही शायद एपिसोड 4 तक ले जाए, फिर एपिसोड 4 में इनका किरदार पता चलेगा और वो सब होगा. तो इंटरेस्टिंग लेयर्स हैं जैसे इनका. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. पहले किसी ने बनाया नहीं है, सो जिस तरह के टॉपिक आ रहे हैं वेब सीरीज में, बहुत ही एडल्ट और बहुत सारे टॉपिक, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक चुनने का क्या रीज़न था और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, कैसे एक्सपीरियंस किया आपने? पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा ये एनवायरमेंटल चीज़ों पे एक वेब सीरीज़ है, तो एक थोड़ा पहले से भी हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट था. और दूसरी चीज़ में अच्छी थी कि हमको हमेशा एक साइंस फिक्शन जोन में बनाना था, कि थोड़ा साइंस फिक्शन, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा अभी साइंस फिक्शन को लेके सीरीज़ बहुत कम है. तो जब ये दोनों चीज़ आई तो हमको लगा कि एक बार दोनों को मिला के एक वेब सीरीज़ बना देते हैं. तो क्योंकि इन्वायरमेंटल भी ऐसा है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच है, क्योंकि आज कुछ जो होने वाला है या जो होगा वो आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, तो इस वजह से हमको लगा कि ये बनानी चाहिए. और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा. नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम लोग चाहते थे कि कोई एक थोड़ा सा कूल सीरीज़ बनाए जो कि बहुत यूथ ओरिएंटेड एंड कूल हो, स्टाइलाइज दिखे. तो और हमको बहुत एक्साइटिंग लगता है कि थोड़ा स्टाइलाइज कंटेंट, थोड़ा नीश, क्लीन कट्स हैं. तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा मीडियम है, लेट्स लेट्स डू इट. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा चंदन के साथ, अनिशा है? तो चंदन कहीं ना कहीं हमको हंसी दिख रहा था, तो बहुत अच्छा कास्ट था चंदन. चंदन के काम हम लोगों ने पीछे बहुत देखा था, कमीने हो गया और ये सब. वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फिट हो रहे थे, बहुत फिट हो रहे थे, क्योंकि वो ऑटो वाला तो है, जैसे आपको ट्रेलर से पता होगा ऑटो वाला तो है, लेकिन एक और आइडेंटिटी है जो हम लोग बाद में हमको पता चलता है. तो वो चंदन हमको देख के लग रहा था कि वी कैन स्विच. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, और चंदन ऑब्वियसली चंदन है, आई गेस वो फर्स्ट मीटिंग में जब आए थे तभी देख के डिसाइड कर लिया था कि यही हंसू. वो खुद बहुत एनवायरमेंटल कॉन्शियस लोग हैं, तो हमको ये था कि जो लोग इसको सीरियसली समझते हैं वो आए और एड ऑन हो जाए. और साथ में विक्रम, जैक, अनीसा, स्मिता, धीरू, सारे टेरिफिक कास्ट थे यार, और सब इतने अच्छी तरीके से जलब हुए कि ऐसा लग रहा था कि जो हम लोगों ने लिखा था और अभी
एकदम प्रकट हो गया था और सब एक्टर्स ने आई थिंक बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन भी किया है. बहुत अच्छा. एक होता है कि आप जो स्क्रिप्ट के डायलॉग से याद करके बोल दो और एक दो आप पूरे स्क्रिप्ट को समझा और फिर उसके बाद अपने एडवांस भी दिया. तो ये सभी एक्टर्स ने आई गेस बहुत ही अच्छे ऑन द स्पॉट जो भी इम्प्रोवाइजेशन किया था ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी. यस. चंदन की पहली वेब सीरीज है, कुछ चैलेंजेस आए आप लोगों को उनको डायरेक्ट करने में या उन मतलब एज ए और एज ए सीरीज एज अ डायरेक्टर आपको क्या चैलेंजेस आए और चंदन की भी पहली वेब सीरीज थी कुछ मुश्किलें आई आप लोगों को? एज सच कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी एक्सेप्ट जहाँ जो कंडीशंस में शूट कर रहे थे ऑलमोस्ट शूटिंग प्रॉब्लम्स थे. 90% हमारा आउटडोर्स था प्लस उस हमने जब मई में शूट किया था तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो ये हमारे लिए नहीं बट एक्टर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि जो जिस टाइप के कॉस्ट्यूम है थोड़े से कभी हैवी कॉस्ट्यूम हो गए. चंदन को ऑटो चलाना था और ऑन रोड शूटिंग थी सब कुछ तो वो सब थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से एक्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था और चंदन ऑन द राइट ट्रैक था. वैसे देखे हम देखेंगे तो वेब सीरीज और फिल्म में बहुत ज़्यादा वैसे कोई वैसे दिक्कत मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. स्टोरी टेलिंग है उसमें छोटे उस पर बताते हैं यहाँ पे थोड़े फैला के बताते हैं लेकिन चंदन वाज बैंग ऑन. हम लोग ने जब फर्स्ट नरेशन लिया और हम लोग जब फर्स्ट बैठ के जब हम लोगों ने पूरी कहानी जो सुनी मतलब डिस्कस किया ही वाज देयर. इतने डाउन टू अर्थ और इतने अच्छे एक्टर्स हैं वाइज वेरी डाउन टू अर्थ उनके साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्योंकि हम लोग बहुत नए हैं तो हमारे लिए काफ़ी हमको बहुत इम्पोर्ट दिया गया है और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको किया है. लास्टली कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है? ये सोनी लिव पर रिलीज़ हो रहा है और जून में जो है लिखा हुआ जून में ही हम रिलीज़ कर रहे हैं. कोई पर्टिकुलर डेट अभी नहीं बट जून में ही होगा बट जून में हो जाएगा. थैंक यू.